बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इमरान अली शाह, एमएम न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ईद उल अज़हा के मौके पर। कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों को किस तरह सजाया जाता है, उनकी सजावट के यहाँ पर स्टाल मौजूद हैं और इन सजावट के स्टालों पर मुख्तलिफ़ अशिया मौजूद हैं। हम देखते हैं और इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि क्या क्या सामान इनके पास दस्तियाब है। जी, क्या नाम है? जावेद। जावेद साहब, ये स्टाल आप हर साल लगाते हो या पहली बार लगाते हैं? नहीं, हर साल लगाते हैं, तकरीबन 30 साल से हम यहीं पे लगाते हुए आ रहे हैं। ये अच्छा, आपके पास क्या क्या सामान दस्तियाब है? जी, हमारे पास ये मोरे होते हैं, पायल होती है, गले के हार वगैरह होते हैं। कहाँ लगाते हैं? कुरंगी 5 नंबर के ऊपर लगाते हैं। ये जानवर के कहाँ बांधते हैं? ये जानवर के मुँह के ऊपर आता है, और ये मोरा जो है ना, ये जानवर के मुँह के ऊपर आता है। इस चीज़ को जो है ना, उसके मुँह पे लगा देंगे और इस चीज़ को हम गले में पहना देंगे। ये चीज़ गले में आ जाती है, ये मुंह के ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से जो हार होता है वो के गले में आ जाता है, ये मुंह के ऊपर आ जाता है। ये सर पे आता है? ये सर के ऊपर आ जाता है। ये ताज कहलाता है, ताज वाला मोरा। इसकी क्या कीमत चल रही है? इसकी 1000 रुपये कीमत चल रही है जी। हालांकि ये पिछले साल 1200 रुपये में बिका है, लेकिन काम ना होने की वजह से जो ना, इस साल ये 1000 रुपये का बिक रहा है। अच्छा, काम ना होने की वजूहत क्या है? सर, लॉकडाउन का मामला आएगा, बेखैर होकर पुलिस हमारे साथ टाउन करती है, पर वो ये कहती है कि भाई साथ बेना बंद कर दो। कोई पैसा पाई नहीं लेते वो लोग, लेकिन कहते हैं कि भाई हम लोग मजबूर हैं, साथ में आप बंद कर दो। तो वो भी हमारे साथ टाउन करती है कि हम उनके साथ में। कस्टमर नहीं आ रहे हैं, लोगों के पास कुव्वत सकत नहीं है खरीदने की, क्या वजह? नहीं आ रहे हैं कस्टमर, नहीं आ रहे हैं। जैसे आते थे ना कस्टमर नहीं आ रहे हैं। एक दो आ गए तो आ गए, वरना माशाल्लाह हर साल काम बड़ा प्यारा चलता है। हमारे पास हमारे और भी स्टॉल लगे हुए हैं, हम आगे चलेंगे और भी लोगों से मालूम करेंगे कि उनके पास क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और क्या क्या फ़रोख कर रहे हैं वो यहाँ पर। जी जनाब, क्या नाम है आपका? दिलावर अली। दिलावर अली। दिलावर, आप जानवर को सजाने के लिए क्या क्या अशिया फरोख कर रहे हैं? जी, हम जानवर को सजाने के लिए, उसके लिए हमने मोरे तैयार करके रखे हैं, रस्सी वाला मोरा हमारे पास, क्रोम वाली पायलें हैं। जैसे कि ये हमारे पास जो नया डिज़ाइन है, क्रोम वाला है, इसके अलावा एक सादा वाला भी है, ये आप सुन सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक ये पेट का पट्टा मौजूद है जानवर को सजाने के लिए। ये कहाँ बनता है? ये पेट पे बनता है, उसके पूरा पेट, पूरे पेट पे अराउंड में आ जाता है ये। इसके अलावा हमारे पास रस्सी वगैरह दीगर अशिया है, जैसे हार हो गया, ये झाबा हार कहलाता है। ये इसको झाबा हार, ये गले में आता है फुल सलामी का, ये पीछे कुहान से बन के नीचे तक आता है। तो क्या कीमत है इस हार की? इस हार की कीमत 1200 रुपये है। और ये जो पट्टा है पूरा, ये पट्टे की कीमत 1500 रुपये है। अच्छा, पिछले साल यही कीमत थी या बढ़ी है, कम हुई है? पिछले साल हमारे इस पट्टे की कीमत 2000 रुपये थी और हार की कीमत तकरीबन 1800 रुपये थी, लेकिन हालात के पैसे नज़र रखते हुए इसकी कीमत हमने कम करी है। वो इसलिए कि हालात इस कदर नहीं, कोरोना वायरस की वजह से कुछ मुल्क के मामला जिस तरीके से कमज़ोर हो चुके हैं, परेशानी की वजह से कस्टमर कम आ रहा है, तो वो रेट भी कम लगाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा डाउन होना पड़ा। अच्छा, पहले तेज़ी कब से हो जाती थी? चांद दिखने के बाद शुरू हो जाती थी तेज़ी? हाँ, चांद जैसे दिखता था कस्टमर की आमदरफ तेज़ हो जाती थी, और इन दिनों तो हम माशाल्लाह फारिग होते ही नहीं थे, लेकिन इसमें भी अल्लाह की हमारे लिए बेहतरी है। अब हम सिर्फ गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन लगाया हुआ है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि मामला ज़िंदगी के बहाल हो जाएँ और कारोबार चले। अच्छा, अभी कितने बजे दुकानें आपकी बंद करा देते हैं? अभी हम 7 बजे जो टाइम दिया हुआ उसके मुताबिक बंद कर देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये पायल जो है इसकी क्या कीमत है, उठा के दिखाइए। ये हमारे पास ये बकरे की पायल है छोटी, ये 30 रुपये की जोड़ी है और ये 50 की जोड़ी है। अच्छा, ये घुंघरू उठ के पैरों में बजते हैं? जी, ये बजते हैं, ये बकरे की और ये गाय की है, और चलती हैं तो बजती हैं, और वो जानवर को भी लुफ्त आता है, इससे ज़्यादा वो खुश भी होता है। आइए नाज़रीन, हम आपको मज़ीद स्टाल दिखाते हैं कि उनके पास क्या क्या आइटम है और सजावट के लिए जानवरों की क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उन्होंने रखी भी हैं। और ये एक और स्टाल है, यहाँ पर भी मुख्तलिफ अशियाँ हैं। यहाँ पर बेटा, आप इधर आइएगा, इनसे भी मालूम करते हैं हम। अशिया इस स्टाल पर रखी गई हैं, फरोख के लिए लाई गई हैं, और ये स्टाल लगाया गया है ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों को सजाने के लिए। काफ़ी आइटम हैं इनके पास भी, और इनसे भी हम मालूम करते हैं क्या क्या आइटम है। बेटा, ये ज़रा मोरा दिखाइएगा।
ये नाज़रीन जैसा कि पहले हमने मोहरा देखा था, ये उससे ज़रा बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके सर का ताज मुख्तलिफ था, इसके सर का ताज अलग है। और आपके पास ये कितनी कीमत में? 1100 रुपये। अच्छा, पिछले साल क्या कीमत थी? 1200 रुपये। तो रेट क्यों कम होगा? असल में माल जो हमें महंगा मिला है इसलिए। अच्छा, ये माल आपको महंगा मिला और कम रेट में बेच रहे हो, क्या वजह? बस ये कि लोग बाग बोलते हैं भाईजान वहाँ इतनी महंगी है या इतनी लोग कम आ रहे हैं या जल्दी बंद हो रहा कारोबार, क्या वजूहत है? बस ये कि वो पुलिस वाले आते हैं वो बंद करवा देते हैं। कितने बजे बंद कराते हैं? 10 बजे बंद करवा देते हैं। 7 बजे बंद नहीं कराते? नहीं, आपके लिए उनको तो साबुत कह रहे 7 बजे बंद करा देते, आप कह रहे 10 बजे बंद कर। असल में मैं 10 बजे बंद करता हूँ, वो 7 बजे बंद करते हैं। तो 7 बजे बंद कर देते हैं आप, 10 बजे तक आपको खुली छूट है पुलिस की तरफ से। और रिश्तेदार तो नहीं है पुलिस में? ए, बड़े भाई हैं मेरे। अच्छा, रिश्तेदार है कोई? इनको खुली छूट दी हुई है, पुलिस इनके साथ है, क्योंकि इनका कोई रिश्तेदार है, ये कह रहे हैं कि वो पुलिस में है, जिसकी वजह से इन्हें रियायत मिल जाती है। हम आगे चलते हैं, मज़ीद और भी काफ़ी स्टॉल हैं यहाँ पर, हम उनसे भी मालूम करेंगे और बात करेंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा सकें कि स्टालों पर नित नई चीज़ें आई हुई हैं और क्या क्या आइटम यहाँ पर लगे हुए हैं। ये ज़रा मुख्तलिफ नौयत की चीज़ें हैं इनके पास, इनके स्टाल पर, और अच्छे आइटम हैं आपसे। जी, आपका स्टाइल ही? आप लेने आए? ये क्या है? आप लेने आए? ये कौन सी है? आप लेने आए? तो ज़रा ये बताइए क्या चीज़ लेने आए आप? ये लेने आए। अच्छा, ये गाय वगैरह लिया आपने, क्या लिया? बछड़ा लिया। बछड़ा लिया, तो पहले भी आपने कभी लिया इस तरह? पिछले साल भी लिया था। पिछले साल कितने का लिया था? 15,000 का। आधार के लिए तो अभी कितने का दे रहे हैं? अभी ये लिया 1300। 13 तो महंगा बिक रहा है पिछले साल। अच्छा, ये स्टाल वाले कह रहे हैं कि पिछले साल हमने महंगा बेचा है और इस दफ़ा जो है वो रेट कम है। इस दफ़ा पिछले साल 1000 का लिया था, 15,000, अभी 1300 का लिया। अभी 1300 का लिया आपने। अच्छा, और भी अशिया यहाँ पे बिकती है कि क्यों सजाते हैं जानवरों को? क्या बच्चों की फरमाइश होती है, आपका शौक है? बच्चे पीछे लगे हैं, भाई दादा चलो, दादा चलो। अच्छा, पोते आपके, आपके पोते साथ आए हैं और वो कह रहे हैं कि चलो और दिलाओ? नहीं दे रहे थे, चलो दादा ले। जानवर कब लिया आपने? कल। कल से जो बच्चे आपके पीछे लगे हुए के फौरी तौर पर जो है वो पीछे लगे हुए? नहीं, सजावट का सामान फौरी तौर पर दिलाया। कहाँ रहाइश क्या आपकी? ये गुलशन मार्केट कुरंगी। जी, ये गुलशन मार्केट में रहाइश है इनकी। और ये जो है वो, अच्छा, एक हार है बड़ा खूबसूरत सा, हम वो दिखाएंगे कि भाई ये हार जो है इनके पास है और ये 1200 रुपए का हार है जो गाय बैल और बछड़ों के गले में आ जाता है। नाज़रीन, इसी तरह से स्टाल लगे हुए हैं बहुत सारे और अभी मज़ीद स्टालों में इजाफा होगा। दोनों तरफ सड़क के कोरंगी 5 का ये इलाका है, मेन कोरंगी रोड कोरंगी 5 पे ये स्टाल लगे हैं और दोनों तरफ जो है वो ये स्टालों की तादाद बढ़ जाती है जब जूही जूही ईद करीब आने लगती है। जी।